हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आरके बोस डीजल वर्क चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है कि जो पी लैंड पंप अशोक लेलैंड का आरएसबी गवर्नर जो आता है वो कैसा मतलब फिटिंग करना है और उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, और जैसे कभी कभी स्विलिंग लीवर छूटा आता तो मैं कौन सा डालता हूँ और उसमें क्या नंबर का आता है और वही लगना चाहिए। तो बहुत सारे भाई स्विलिंग लीवर में कन्फ्यूज रहते हैं, अरे छूटा है अभी डाल रहे तो बड़ा दिख रहा है तो क्या करना चाहिए, वो पूरा वीडियो में बताऊँगा मैं, ठीक है। और पूरा पार्ट नंबर के हिसाब से मतलब क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट उसमें क्या रहते हैं और उसका पार्ट नंबर क्या रहता है वो भी पूरा जानकारी वीडियो में मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो गाड़ी के साथ वाला जो स्विलिंग लीवर आया है, बूश आया है, ये देखिए कि एक साइड से छोटा है, देखिए यहाँ से छोटा है, और उसका जो बूश है ये जो कट वाला है और ये जो बूश है ये क्लोजिंग वाला है, ठीक है। और मैं डाल रहा हूँ उसमें लॉन्ग वाला और उसमें दोनों 034 नंबर का बूश डाल रहा हूँ, और ये स्विलिंग लीवर है 039 नंबर का है, ठीक है। 1422 013 039 और 034 नंबर का बूश है, दो बूश डाल रहा हूँ। तो आप भी ऐसा डाल सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मतलब एक भैया कमेंट किए थे कि मैं ये डालूँगा तो क्या फ़र्क आएगा, रीडिंग में क्या आएगा, तो कोई ऐसा कुछ फॉल्ट आने वाला नहीं है, सब बराबर रीडिंग आता है। सिर्फ बूश जो है 034 नंबर का दोनों साइड बूश लगा कि आपको सिर्फ एक कैप लगाना पड़ता है, ठीक है। कैप लगाएंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा आपको, एक कैप लगाना पड़ता। बहुत सारे भाई लोग इसको कटिंग कर देते, लेद वाले के पास जाके कट करके भी छोटा करके भी लगाते हैं, लेकिन इतना लेद वाले के पास जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास ही प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बूश लगा के कैप लगा के उसको टाइट मारना पड़ता है, रीडिंग में कोई अंतर नहीं आता है। क्योंकि एक भैया बोल रहे थे कि मतलब डालूँगा तो रीडिंग में कोई अंतर आएगा क्या, रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है क्या, तो ऐसा रीडिंग से कोई लेन देन नहीं है उसका, ठीक है। वो बराबर वर्किंग होना चाहिए, लुब्रिकेंट ऑयल का लुब्रिकेंट में वो बराबर वर्किंग होना चाहिए, बस रीडिंग आना चाहिए। अपन नया डालते तो रीडिंग तो आएगा ही। एक कवर पूरा क्लीन कर लिया हूँ, क्लीन करके अभी फिट करेंगे। मैं वही 039 नंबर का स्विलिंग लीवर नया डालूँगा और 034 दो बूश डालेंगे, क्योंकि गाड़ी में जो ऑयल लीकेज होता, कोई अगर ऑयल लीकेज होता ये होता तो इसी से फल रहता है, स्विलिंग लीवर और बूश से। बूश भी हाउसिंग में घूमना नहीं चाहिए। ये हम डाल दिए, ठीक है। और ये नीडल बेयरिंग जो बूश है वो भी देखना पड़ता, ये ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, उसके अंदर सीम आते सीम डालना पड़ता। और अभी तो न्यू मॉडल ज़्यादा वो स्क्रू दिया है साइड में एडजस्टिंग के लिए, तो उसमें सीम इतना नहीं बैठता। और नीडल बेयरिंग और प्लेट कटे होंगे तो डाल देने का, नीडल बेयरिंग प्लेट और बूश डाल देंगे तो आ जाता है। सिम का तो इतना डालना नहीं पड़ता, क्योंकि इसका प्ले एडजस्टमेंट करने के लिए पीछे साइड में जो दिया है स्क्रू वहाँ से मिल जाता है। इस स्विलिंग लीवर का स्क्रू पहले खुल लेते, खुल के वो फंसाएंगे उसके अंदर, वो अगर टाइट होगा तो बराबर फिट नहीं होता। और जो मेन स्प्रिंग है, मेन स्प्रिंग और स्विलिंग लीवर में जहाँ पर लगता है वहाँ पे भी अगर कभी कटिंग कट जाता कि बारीक पतला हो जाता तो रीडिंग परफेक्ट नहीं आता है। पहले वो हड्डी में डाल देंगे, हड्डी में डालने के बाद स्विलिंग लीवर में इसमें फंसा देंगे। ये आरएसबी गवर्नर का कवर है फ्रेंड, आरएसबी गवर्नर, ठीक है। ये इसको बराबर बनाना पड़ता, नहीं तो ऑयल लीकेज का इशू आता है। और ये तो अशोक लेलैंड का जो 7 सीरीज़ का जो पंप है उसका कवर है, 755 का कवर है, 755 752। तो सिर्फ ये वीडियो इसीलिए मैं बनाया हूँ कि एक फ्रेंड ने मेरे फ़ोन किए थे कि मैं ऐसा कर डायोड डाल ही नहीं रहते, डर रहते बोले कि रीडिंग क्या होगा, कैसा आएगा, क्या है। मैं उनको बोल रहा हूँ कि डाल दो, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, कोई इशू नहीं आता, लेकिन वो उनका मन में एक कन्फ्यूज था, नहीं कुछ तो फ़र्क आएगा, ऐसा कट है छोटा बड़ा है तो ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं आता, आप बिंदास डालने का, ठीक है।
लेथ वाले के पास भी जाके कटिंग वटिंग करके डालते हो, वो भी चलते, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। सबका अपना बनाने का टेक्निक अलग अलग है, जो जैसा करे। मैं कैसा कर रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ। मैं ऐसा ही मगर छोटा वाला आया तो बड़ा वाला डाल देता हूँ, उसके साइड में कैप ठोक देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये रिंग डालेंगे 034 नंबर का बूश में, रिंग डालेंगे, रिंग आता है उसका। स्विलिंग लीवर का भी कटा होगा, स्प्रिंग भी कटा होता है, रीडिंग नहीं आता। कभी कभी नीडल बेरिंग जो टूट जाता है, नीडल बेरिंग टूटने से वो गाड़ी में आइडल में कम ज़्यादा रेस भी होता, प्रॉपर रेस भी नहीं होगा, क्योंकि इधर ऑयल का लुब्रिकेंट बहुत ज़रूरी है। अगर पंप में ऑयल का लुब्रिकेंट नहीं आएगा तो ये कवर का जो भी पार्ट्स है वो डैमेज हो जाते। और बहुत सारे कस्टमर तो जैसे लीलैंड का जो सादा पंप है, लोडर का जो मशीन के पंप है, वो ऑयल वॉयल नहीं डालते, जो इंजन से, ये तो इंजन से कनेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर जो ऊपर से डालना जाता है उसको ऑयल नहीं डालते, वो हफ्ते में एक बार डालना ही पड़ता, ठीक है। लेकिन नहीं डालते, वो नहीं डालने से वो पूरा पंप का प्लेंजर, स्प्रिंग व्रिंग, फ्लाईवेट सब टूट फूट हो जाता है। तो कृपया ऑयल डाला करिए, ठीक है। ऑयल ज़रूर डालना है। और कस्टमर को भी अगर आ रहे ऑयल नहीं डाल रहे, ऐसा पंप अगर आपको पास आ रहा है तो आप कस्टमर को समझा के देना है कि आइंदा ऐसा ऑयल डाला करो, नहीं तो आपका पंप बहुत सारा सामान डैमेज हो जाता। कैम शाफ्ट, रोलर, फ्लाईवेट, प्लेंजर, स्प्रिंग भी कभी कभी पूरा टूट जाते हैं, तो नहीं ऑयल नहीं डालने के कारण से ऐसा होता है। और ऐसा बूश डायरेक्ट नहीं ठुकना है, बूश ठुक के उसको फेविक्विक की रूलेट लगा के थोड़ा उसको पूरा ये करना है, क्योंकि अगर बूश ऐसा डायरेक्ट डाल दिए आप दे दिए, वो 10-15 दिन के महीना भर चलने के बाद फिर वो फ्री हो जाता है। फिर फ्री हो जाएगा तो हाउसिंग के अंदर फ्री होगा, तो फ्री होने से क्या फिर से ऑयल वहाँ से थोड़ा थोड़ा धार मारना चालू हो जाता है। ऐसे तो पूरा ड्रॉपिंग पूरा धार नहीं मारता, मतलब ऐसा हल्का हल्का गीला गीला पूरा पंप ही गीला हो जाता है। फिर कस्टमर बोलते कि अरे अभी तो पंप नोजल बनाए, पंप बन के आया, ऑयल कैसे लीकेज हो गया। तो आपके तरफ से अगर नया भी बूश, नया सीलिंग लीवर डाल रहे हो तो ज़रूर उसको एरुलेट, 5 मिनट वाला एरुलेट मिलता है, उसको वो एरुलेट लगा के अच्छा से पैक करके देना है, ठीक है। क्योंकि नहीं तो हाउसिंग में फ्री हो जाता है, ऑटोमेटिक फ्री हो जाता है, वो चलते चलते फ्री हो जाता है। वो फ्री होने के बाद वो क्या, वो थोड़ा थोड़ा वहाँ से गीला होते रहता। अभी वो स्विचिंग है, नोचेस को खोल देंगे पूरा। पहले तो इसको ऐसा सेट करना होता, पूरा फुल टाइट मार के फिर खुलना पड़ता, ठीक है। इसका भी बहुत खेल है, रीडिंग अगर आरपीएम कटिंग वटिंग अगर नहीं आ रहा हो, ज़्यादा जा रहा है तो इसको टाइट करना पड़ता है। गाड़ी में भी अगर आइडल कम ज़्यादा रेस हो रहा, बाकी आपका उधर स्प्रिंग नहीं टूटा है, ये नहीं टूटा, तो इसको भी आप कम ज़्यादा करके भी सेट कर सकते हो। ऐसे तो बाई चांस इनकेस होता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। ये ऑयल सील है गाड़ी में। कभी अगर मशीन के ऊपर, जैसे गाड़ी के ऊपर बोलो, मशीन के ऊपर बोलो, लीकेज होता है, ऊपर से जाके ऑयल सील डाल देते हो, लेकिन उसका अगर प्ले नहीं है तो आप ऑयल सील डालेंगे, ठीक है। अगर प्ले रहेगा, आप ऑयल सील डाल के कोई सक्सेस होने वाला नहीं है, उसको खुल के ही सीलिंग लीवर बूश डाला जाता है, तो खुलवा के ही काम कीजिए तो परफेक्ट होगा। खुलवा के भी अगर बूश सीलिंग लीवर अगर डाल रहे हो तो उसमें ये एरुलेट है, 5 मिनट वाला एरुलेट, फेविलेट, ठीक है। तो इसको मिला के उसमें बूश के आजू बाजू साइड में देना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको 15-20 दिन महीने भर में वो फिर से कंप्लेन आने वाला है लीकेज का। ये बहुत जल्दी सूख जाता है, इसका कोई नो इशू, ये बहुत जल्दी सूख जाता है कि आपको ऐसा टाइम नहीं कि आधा घंटा एक घंटा सूखाना पड़ेगा, ये 5 मिनट के अंदर पूरा टाइट कर लेता है। ये तो बहुत सारे भाई को भी ऐसा कवर बनाने आता भी होगा, बहुत भाई को मैं बहुत एक्सपर्ट है, बहुत सारे तो ये है, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा नॉलेज फुल होना चाहिए, मतलब कैसा सिस्टम रहता पंप में। और जो भी भाई अभी नया आ रहे लाइन में, उनको भी थोड़ा हाँ ऐसा सीलिंग लीवर रहते, बूश रहते,
इसलिए वीडियो बनाया हूँ, बाकी कोई ये नहीं है। और एक फ्रेंड ने मेरा सिविल नंबर में डाउट थे वो छोटे बड़े करके, तो उसके कारण से मैं बोला कि वीडियो ही बना लेते। स्टॉप लीवर है, स्टॉप लीवर का भी ओरिंग कटने यहाँ से भी बहुत लीकेज होता है। 7 सीरीज का जो 755 का BH3 का पंप में तो ज़्यादा यहाँ से ही बूश के से इतना लीकेज का शिकायत नहीं, स्टॉप लीवर से आता है। इसका एक बूश आता है, वो बूश ही नया डालना पड़ता और ओरिंग डालना पड़ता। इसका ओरिंग अगर आपको अगर कभी कभी अगर नहीं मिलता ना फ्रेंड्स, सोलनाइट स्विच का जो ओरिंग है वी पम्प का, सोलनाइट स्विच में जो ओरिंग लगाते ना, वो ओरिंग यहाँ पे लगा दो तो लीकेज बैठ जाता है और लीकेज भी नहीं होता, अच्छा से बैठता है। मैं तो वही लगाता हूँ, आप अगर आपके पास है तो ठीक है, मेरे पास ऐसा कभी कभी नहीं आता ना, मिलता नहीं कि शॉर्टेज हो जाता तो लगा लेता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। इसको तो लगाने का ऐसा हाथ से ही लगा जाए, खींच के भी लगाते हैं। सिंगल अगर आप पर्सन हो तो आपको लगाने का वो उसमें दिया रहता, और ऐसा जितने उस बोल्ट टाइट करके वो फ्री रहना चाहिए, स्टॉप लीवर फ्री करना चाहिए। और इसमें जो स्प्रिंग आता है वो स्प्रिंग टूटने से भी बहुत प्रॉब्लम आता है गाड़ी में, गाड़ी पिकअप नहीं करेगा अचानक, जैसे स्प्रिंग टूट गया है, स्प्रिंग छोटा सा लेकिन वो टूटने से आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम देता है। माइलेज का भी, माइलेज पूरा घट जाएगा, पिकअप टूट देगा, खिंचाई नहीं आएगा, कभी कभी तो चालू भी नहीं होता है, ये छोटे से कारण से इतना इशू आ जाता है। स्टॉप लीवर का स्प्रिंग अगर टूट गया, स्टॉप लीवर वर्किंग करना बंद कर दिया तो आपको पूरा प्रॉब्लम आ जाता है, ऐसा लगता है कि पंप में ही पूरा सामान बैठ गया, कि पंप ही पूरा डीजल नहीं दे रहा हो, बहुत ऐसा पर लगता है। अगर गाड़ी आपका सब कुछ बराबर चल रहा है, अचानक अगर प्रॉब्लम आ गया है तो पहले तो फ्यूल लाइन सप्लाई, डीजल फिल्टर देखना पड़ता है, स्टॉप लीवर भी वही कंडीशन में देखना पड़ता है, क्योंकि स्प्रिंग टूट जाते साल दो साल चलने के बाद ऐसा टूट जाते, वो जंक वंक आके उसमें ख़राब हो जाता है, तो ख़राब हुआ कि नहीं हुआ वो देखना पड़ता है। स्टॉप लीवर मतलब प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए। एक केस आया था मेरे पास, वो गाड़ी रनिंग में ही चल रहा था, खिंचाई टूट दिया, बोले ड्राइवर साइड में लगाया, बोले अभी चालू ही नहीं हो रहा बोलते, तो हम बाहर में गाड़ी था तो हम फोन में भी ऐसा क्या बताएंगे ड्राइवर को, तो गाड़ी टूचन करके लाए तो उसको खुले पंप नोजल खुलने के बाद पंप नोजल में कुछ फल नहीं है, एलिमेंट भी ठीक है, नोजल भी ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ स्टॉप लीवर का स्प्रिंग टूटा था। वो स्टॉप लीवर का स्प्रिंग लगा दिया हूँ मैं, रीडिंग मार के दे दिया, गाड़ी चालू हो गया। तो ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, छोटे छोटे चीज़ से बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है। ये कंप्लीट हमारा देखिए कंप्लीट हो चुका है, आर एस वी गवर्नर बनाने का ऐसा तरीका है, ऐसा सामान डाला जाता है इसमें, मेन सीलिंग लेवर और बुश, ओके ठीक है, आप भी ऐसा बना सकते हैं। फ्रेंड्स फाइनल हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है, जो भाई लोग अगर नया है मेरे चैनल में, नया वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।